देवी माँ की कृपा प्राप्ति करने के लिए भक्ति सबसे जरूरी है भक्ति अगर नहीं होता है तो आप जितना भी आप खुद को संभालने की कोशिश करो जितना भी मंत्र जाप करो कितना भी संयम करके मेडिटेशन करके मुद्राएं लगा के कुछ भी करो तो आपको कभी फल नहीं मिलता है इसका जीता जागता सबूत में देना चाहूँगा अगर आपके पास भक्ति है तो देवी माँ आपको रक्षा करेंगी ये एक जन का बात नहीं है पूरे ज़िले की बात है हर घर की बात है हर इंसान की बात है जिसकी जीवन में माँ अंबिका कैसे रक्षा करती हैं उसके बारे में मैं आप सभी को विस्तृत रूप में बताऊंगा। मेरा जिला है मयूभंज जिला इस ज़िले में मैक्सिमम हर घर में मांसाहार भोजन किया जाता है ऐसा कोई घर नहीं है जिसका घर में मांसाहार भोजन नहीं किया जाता है अगर आपका घर में कोई फंक्शन हो रहा है जिसमें अगर आप मांस मछली ये सब नहीं करोगे तो ये कहा जाएगा कि भाई उसने तो खाने के लिए भी कुछ नहीं दे पाया उसका है ही नहीं कुछ देने के लिए तो एक ट्रेडिशन चल गया है जैसे मिथिला की ब्राह्मण लोग में जैसे मांसाहार है इधर भी हर ब्राह्मण के घर में भी मांस बनता है मांसाहार होता है मछली बनता है लेकिन जब कुछ त्यौहार होता है कुछ पर्व पर्वानी होता है उसमें लोग मानते हैं पूरी तरह से और उस चीज़ को नहीं करते चाहे वो एक डेढ़ महीना दो महीना हो या फिर किसी भी दिन के लेकिन एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे इधर इस ज़िले में माँ अंबिका की जो कृपा है हर इंसान के पास है हर व्यक्ति के पास है हर ज़िंदगी में उनकी जो करुणा की बरसात है हर इंसान को सच्चे राह दिखाने में माँ सबसे आगे रहती हैं ऐसा क्यों होता है किस लिए होता है लोग इधर हर घर में आप लोग जैसे आ, कुछ साइड के होते हैं साउथ के साइड में डेली पूजा पाठ करना ये सारे जो है आपका क्या कहा जाता है विभिन्न प्रकार की चित्र बनाना उसमें दीपक जलाना बहुत सारे कुछ करते हैं जैसे आपको सुकून मिलता है आपको शांति मिलता है उसी तरह से हमारे इधर कुछ पर्व परवाणी जब होता है उसी में पूजा पाठ के समय में ये सारे चीज़ किया जाता है फिर भी कैसे कृपा मिलती है मैं सब कुछ डिटेल बताऊंगा। मेरे आज का जो वीडियो है कहने का यही है कि आप कुछ खाते हो क्या पीते हैं कुछ करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाव सबसे ज़्यादा जरूरी है भक्ति ज़रूरी है लेकिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अगर कोई मंत्र जाप करते हो कुछ भी करते हो या फिर में हो तो खुद को अगर आप संतुलित रखना चाहते हो तो कोशिश करो कि शाकाहारी खाने करने के लिए क्योंकि अगर वो साइंटिफिकली देखो तो मन को शांत रखता है और आपकी जो अंदर में जो गर्म भाव है जो जो तामस चीज़ है उसको कंट्रोल में रखता है ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके इसीलिए योगी खाना और योगी का जो सारे चीज़ है ये साधक के लिए बहुत ज़रूरी है मैं आपको कहना चाहूँगा कि इधर कुछ कुछ जगह पे शीतला माता का पूजा होता है जिसमें विभिन्न जैसे बकरे का बलि चढ़ता है या फिर ऐसे कुछ जगह है जो जहाँ पे मछली का भोग भी कभी कभार लगाते हैं लोग और उसको सेवन भी करते हैं मैंने इस सारे चीज़ को जब देखा शोध किया स्टडी किया मैंने एक बार मेरी आँखों के सामने एक वीडियो आया था जो कि हमारे परम पूज्य जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बंधन है हमारे शंकराचार्य जी पुरी के मठ के शंकराचार्य जी इस बात को बहुत विस्तृत रूप से बहुत सुंदर रूप में समझाए हैं उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से कोई खराब वृत्ति है कोई एक दिन में सो सो जो है धूम्रपान करता है उसको कम करने के लिए उसकी संख्या को कम कम कर दिया जाता है और बाद में वो पूरी तरह से छोड़ देता है उसी प्रकार से जो सत्व राजस्व तामस ये तीन चीज़ है उसमें से जो तामस बहुत लोगों को होता है कि आलस्य रहता है मांस का खाना और कुछ भी करना और वो धीरे धीरे एक प्रकार की परिसंख्या रूप में एक प्रकार की धीरे धीरे कम जाता है उसी प्रकार से आप अगर साधक हो तो आप उस उनका कहने का यही मतलब है कि आप खाली ये खाने वाली बात नहीं है आप किसी भी गलत चीज़ को धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो तो ये तो बात रह गई किस प्रकार से आप तामस को धीरे धीरे छोड़ेंगे लेकिन मैंने सुना भी है बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि बहुत सारे आलोचना भी करते हैं ये सारे विषय में वो एक प्रकार की उचित तर्क दिखाते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे मेल आता है कि मैं रशिया में रहता हूँ क्या जर्मनी में रहता हूँ इधर बहुत ठंड है और अगर मैं कुछ प्रकार की पानी नहीं पीऊँगा या फिर ऐसे प्रकार की माँ सेवन नहीं करूँगा तो मुझे बहुत कठिन हो जाएगा कुछ फ्रूट्स वग़ैरह खा के अपने बॉडी को पूरी तरह से आ, ठीक रखने के लिए ठंड के टाइम में ये हो सकता है क्योंकि अगर आप देखा जाए इधर सौ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो अस्सी लोग उनको यही कहेंगे कि आप अगर इंस्टेंट प्रोटीन चाहते हो तो आपको ये सारे चीज़ खाना पड़ेगा और लोगों की लोगों को आप समझा नहीं सकते लोगों की मानसिकता अलग है जैसे कि अगर आप कभी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जो फेवरेट फूड है वो है मांस के साथ मूढ़ी एक प्रकार की लोकल जो कि पूरी उड़ीसा में फेमस है इधर अगर कहीं पे आके अगर आप समझाओगे जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग मेरे ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि तू कहीं बाबा तो नहीं बन गया तू कहीं सन्यासी तो बनने नहीं वाला है तू क्यों घर बार छोड़ के हिमालय तो नहीं जाएगा क्योंकि ये हम नया देख रहे हैं कि हमारे इधर हर ब्राह्मण लोग भी मांसाहार का भोजन करते हैं जैसे मिथिला ब्राह्मण होते हैं तो तुम एक नया निकले हो जो कि ये कहते हो कि मांस मत खाओ और ये करो और कहो तो तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह सब कुछ वो भी तो खा लेते हैं लेकिन तुम क्यों नहीं खाते हो इस प्रकार की मुझे विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलता है और मैं उनको यही कहता हूँ कि जो तामस जो चीज़ होता है वो बेकार था जब मैं बाहर में रहता था उस चीज़ को ग्रहण कर रहा था उस समय भक्ति करता था लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी भक्ति की जो ऊर्जा होती है वो सारे उन प्राणियों को जा रहा है जिनको मैं सेवन कर रहा हूँ ठीक है मेरी ऊर्जा कम लग रही थी जैसे आप भी कोशिश कर सकते हैं जो कि कोई मंत्र जाप वगैरह करके उसके बाद अगर आप मांसाहार वगैरह सेवन करेंगे कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि वो ऊर्जा विहीन हो चुका है कहीं ना कहीं उस आत्मा को आप अपना आपका ऊर्जा चला जाता है मुझे जहाँ तक मेरी ये एक्सपीरियंस है जहाँ तक मेरी मानना है जहाँ तक मेरी शोध है जैसे कि कहा जाता है कि मूर्ति भोज में अगर आप कहीं पे जाते हो खाना खाते हो कुछ करते हो तो उसको उससे आने के बाद आपको कुछ विशिष्ट मंत्र का जाप करना रहता है यानी कुछ हद तक पुण्य का ऊर्जा आप उन व्यक्ति को देते हो ये कुछ लोग मान सकते हैं कुछ बात का खंडन कर सकते हैं लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभूति है इसके बारे में मैं कोई तर्क रखना नहीं चाहता तो मेरे कहने का मतलब है हर घर में मांस बनता है हर जगह पे मांस का सेवन होता है ऐसा दिन नहीं है कि किसी का घर में मांस नहीं बनता है फिर भी जगत जननी जगदम्बा माँ अंबिका किस प्रकार से इन हमारे जैसे लोगों को यानी जो इस ज़िले पर रहते हैं हालांकि माँ तो जगत जननी माँ अम्बे हैं इस प्रकार की मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे मयूरभंज ज़िले में दो देवी हैं जो कि माँ किचेश्वरी देवी और एक है माँ अंबिका जिनकी कृपा अगर किसी का ऊपर आ जाए तो उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा वो संभल नहीं वो समझ नहीं पाएगा उनके बारे में मैंने बहुत सुंदर रहस्य वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की जब जब मैं देवकुंड पीठ की माँ अंबिका की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की मुझे कुछ अजीब प्रकार की सपने आए तो उस वीडियो को मैं आप तक पहुंचा नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ ऐसा रहस्य जानता हूं, जिस रहस्य को अगर उजागर करूंगा, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बात भी आए क्योंकि बहुत सारे लोग आ, कभी ये मानते हैं कि हाँ आ, देवी की उधर कोई बहुत बड़ी शक्ति है कोई कोई ये कहते हैं कि सुनसान जंगल में है तो ऐसा लगता है कोई कोई कहता है कि ऐसा नहीं लेकिन इस ज़िले में लोगों का पांच ऐसी बात जो उनको माँ अम्बे की कृपा ज़रूर दिलाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पहला है हमारे जो इस एरिया में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में लोग बहुत हेल्पफुल हैं जो कि किसी को मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं वैसे आप अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है और कोई मदद मांगता है अगर भले ही लोग उसको मदद ना कर पाएँ वो डायरेक्ट किसी को कॉल करेंगे कि कोई व्यक्ति आके इधर परेशानी में है आप उनका मदद करो लोग हमेशा अतिथि देवो भव इस चीज़ को मानते हैं आप कहीं भी आ जाओ मयूरभ ज़िले में किसी भी गाँव में चले जाओ आप कहोगे कि मेरे पास ये दिक्कत हो रहा है आपको वो ज़रूर मदद करेंगे अगर मदद भी नहीं करेंगे तो आपको कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति को बुला के बोलेंगे कि ये कहाँ से आया भाई कुछ कर सकते हैं क्या एक डिस्कशन करके आपको कोई मदद का रास्ता दिखाएंगे दूसरी बात है इधर के जो लोग होते हैं वो भक्ति को दिल से करते हैं यानी उनके पास कोई प्रकार की विशिष्ट मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ या फिर हवन वगैरह ये सारे करना घर में उनसे ज़्यादा ये ये महसूस करते हैं कि माँ तो माँ है माँ को कभी भी बुलाओ माँ देखती है, माँ संभालती है, माँ सब कुछ संभालेगी एक प्रकार की इनके मन में जो विश्वास है कि माँ हमारे साथ हैं यही उनको एक प्रकार की माँ की कृपा लाने में हमेशा मजबूर कर देती हैं माँ को देख माँ को एक प्रकार की भक्त को प्यार करने में करुणा देने में उनको मतलब उनको क्या कहूँ कि हमेशा माँ भी ये सोचेंगी कि अरे ये तो हमेशा मेरे पर इतना भरोसा रखता है तो इसका बारे में कभी मैं बुरा नहीं सोच सकती क्योंकि कोई भी माँ किसी के संतान के बारे में बुरा नहीं सोचती हैं तो इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है तो हर व्यक्ति के पास इन दो शक्तिशाली देवी माँ अंबिके और माँ किचेक्श्वरी चामुंडे जो कि काली और चामुंडा की स्वरूप है आप नेट में सर्च कर सकते हैं कौन है माँ किचेक्श्वरी देवी आपको बहुत रहस्य सुन देखने को मिलेगा भविष्य में मैं कोशिश करूँगा क्योंकि वो मेरी परम पूज्य देवी हैं उनके कारण वजह से मेरे एक बार बहुत दिक्कत हुई थी जीवन में तो उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ तो उनको चंडिका स्वरूप में पूजा किया जाता है और वो भगवती चामुंडे हैं अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में चामुंडा का कोई ऐसा मंदिर है ऐसे दो तीन मंदिर हैं जो कि अत्यंत प्रचंड है उनमें से एक मंदिर माँ किचेक्श्वरी की मंदिर है और उसमें जो माँ काली चामुंडा की स्वरूप है ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कोई भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना लेके कर माँ अंबिका और माँ कीचेरी चंडिके की आराधना करते हैं तो उनका आराधना पूरा होता ही है कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई कैसे बिना सब कुछ माने किस प्रकार से भक्ति प्राप्त हो जाता है तुम बकवास कर रहे हो लेकिन आप कभी आप सोचना कि माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक हुकार ही काफ़ी है एक मन में एक विश्वास ही काफ़ी है इसीलिए मैंने एक पोस्ट भी दिया था कि अगर आप में विश्वास अगर हट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते इधर और एक खासियत है कि जब भी कोई अच्छे काम करता है कोई मंदिर में रिलेटेड काम करता है कुछ भी करता है तो ये पूरा दिल के भाव से करता है यानी देखो हर जगह तो अच्छे लोग गलत लोग मिलेंगे लेकिन जैसे एक प्रकार की भय भी होता है इन लोगों में मैं ये जानता हूँ एक प्रकार की भय भी है देखिए भय इस बात का होता है कि मैं अगर अपना हृदय को साफ ना करके माँ की उपासना करूँगा तो मेरे लिए जीवन में गलत घटित होगा ये जो सबसे बड़ी चीज़ है इन लोग हमारे इधर जो इतने सारे मांसाहारी होके भी हर जगह में मांस मच्छी ये सारे बन के भी इन दो देवियों की जो कृपा हर घर में हर व्यक्ति का साथ रहता है अदृश्य रूप में क्योंकि इस पवित्र भूमि जो कोई जन्म भी लिया है ये माँ की जिम्मेदारी आ जाती है कि इस संतान की लालन पालन कैसे किया जाए भले ही वो संतान उनको याद करे ना करे जैसे कि ये कहा जाता है जब आप अपने इष्ट को स्मरण करते हो तभी भी आप तभी आपका इष्ट आपके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसा है कहाँ पे है जब आप नहीं भी करते हो तभी आपके इष्ट आपके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे संतान सही है या गलत है इसीलिए कभी भी अगर इस प्रकार की लोग मन में ये ख्याल लाते हैं कि अगर माँ अंबिका की अगर हम मंदिर में जा रहे हैं उनके पूजा कर रहे हैं अगर भाव नहीं रखेंगे तो माँ हमको दंडित भी कर सकती हैं ये जो भय होता है ना इस भय के लिए उनका हृदय पूरा साफ हो जाता है पूरा निश्चल हो जाता है यानी उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कोई कपटी वाला बात नहीं होता है जो जाते हैं माँ के सामने बोल देते हैं यही चीज़ उनको सफल बनाता है आज भी बहुत सारे लोग हैं हालांकि कुछ हमारे जैसे जो कुछ लोग हैं जो कि इस प्रकार की मंत्र जाप वगैरह करते हैं वो अपने जीवन को अपना ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए अपने तामस को कंट्रोल करने के लिए अपनी इच्छा को कंट्रोल करने, करने के लिए शाकाहार को चूज करते हैं लेकिन सो में से आप 95 देखोगे चाहे वो ब्राह्मण हो किसी का घर हो कोई भी हो उनके घर में माछ मछी ये सारे चीज सब कुछ बनता है फिर भी जिस दिन वो एक बार भक्ति भाव से माँ को बुला देती हैं उनके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं ये इसलिए होता है कि इन लोगों का भाव जो है अत्यंत साफ होता है अत्यंत निश्चल होता है आप देखेंगे आ, मैं आज कल भी कहता था आज भी कह रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं अगर आप मान सकते हैं क्योंकि विदेश की बात अलग है जहाँ पे कोई वेजिटेबल्स वगैरह का सुविधा नहीं होता है तो उधर उनको जरूरी पड़ जाता है वो दूसरी बात है लेकिन हमारे इधर हरियाली खेत भेर भरा हो मतलब सब कुछ उगता है तो उसमें अगर आप धीरे धीरे जैसे शंकराचार्य जी बताते हैं कि परिसंख्या जैसे धीरे धीरे, धीरे आपको स, स, कम कम करते करते अगर पूरी तरह से कर देंगे तो आप भी मंत्र जाप वगैरह को आप जीवन में ऐड कर सकते हैं बहुत सारे लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि अगर बत्तीस 33 साल के समय में तुम अगर सन्यासी की तरह बात करोगे तो ये सही नहीं है और आपको पता होगा मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ एक बार जैसे बकरा वगैरह काटा जाता है और उसका उसमें इधर जो लाइन लगता है जैसे आप देखेंगे कहीं पर मेला लगा हुआ है क्योंकि हर कोई मांस लेगा और मांस बूढ़ी फेवराइट होगा कोई भी जगह कोई भी पूजा कोई भी काम हो कोई भी किसी भी प्रकार की जगह में कोई अनुष्ठान हो रहा है कुछ भी हो रहा है यानी कोई कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसमें वो ज़रूर उस चीज़ को करेंगे तो फिर जैसे कि किसी का कोई बर्थडे हो किसी का कोई दूसरा काम हो कुछ भी हो हर कोई मांसाहार का सेवन करता है फिर भी ये लोगों में इतना शक्ति है इतना विश्वास है इनका भाव इतना पवित्र है कि कभी भी अगर माँ अम्बे को बुलाते हैं उनकी जितना भी बड़ा हो संकट टल जाता है इसमें तीन चीज़ आवश्यकता है मैं मेरे कहने का मतलब है जैसे मानो माँ चंडिका के स्वरूप में माँ माँ परम वैष्णव की उपासक उपासक हूँ यानी मैं परम वैष्णवी तत्व को उपासना तो करता हूँ उसी माँ चंडिका के स्वरूप में कोई स्मशान चंडी का उपासना करता है तो वो मछली का भोग चढ़ाता है जैसे हम खीर का भोग चढ़ाते हैं पूरी वगैरह का भोग चढ़ाते हैं मिष्ठान का भोग चढ़ाते हैं वो इंसान उसमें चढ़ाता है दूसरा इंसान कोई दूसरे प्रकार के चढ़ाता है लेकिन हर किसी का पूजा में भाव होना जरूरी है तो मातृ जो मात्र कृपा है वो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है जिसके अंदर स्वतः स्वत ही अनुशासन है यानी एक प्रकार की जैसे इधर का हर व्यक्ति ये सोचता है कि माँ मेरी गार्डियन है कुछ गलत करूँगा तो माँ प्रहार करेंगी ये जो भय है ये भय कोई साधारण भय नहीं ये प्रेम का भय है भक्ति का भय है कि माँ अंबिका का पीठ इधर है कोई गलत काम करूँगा तो माँ सजा देगी जरूर इसीलिए ये एरिया किसी भी प्रकार की बहुत अनावश्यक घटना नहीं घटता है जितना भी बड़ा आपदा आती है तो ये ये पूरी तरह से बच जाते हैं हमारे जितने भी सारे लोग हैं वो निरापद रहते हैं बाहर के भी कोई लोग आके इधर जो रहते हैं वो निरापद रहते हैं तो मेरे कहने का मतलब है माँ सु में प्रसिद्ध होकर भी माँ अम्बे की कृपा हर घर में इसलिए मिलता है इनकी भाव जो है पूरी तरह से स्वच्छ है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग मुझे कई दिनों से अनुरोध कर रहे थे कि आचार्य जी आप इस बात पर कभी वीडियो बनाए हम भी देखेंगे हम भी सुनेंगे कि किस प्रकार से हम तो इतना पापी हैं खुद कहते है, हम तो इतना पापी हैं या डेली डेली खा रहे हैं डेली डेली खा रहे हैं आज चिकन कल वो कल वो फिर भी माँ कैसे हम लोग को सुन रही हैं इसका लॉजिक क्या है देखो मैं इस प्रकार की ये तो नहीं कहूँगा कि आप उसको खाओ करो वो करो लेकिन मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे अगर आप उस चीज़ को कम करके किसी भी जीव को ना मर के अगर आप अपना जीवन को थोड़ा सा आगे लेके मंत्र जा वगैरह पूजा पाठ वगैरह दैनंदिन साउथ इंडिया में जो करते हैं लोग अपने घर में पूजा पाठ वगैरह धीरे धीरे अगर करेंगे तो आपको भी बहुत आत्म शांति महसूस होगी बाकी मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूँ कि माँ आप लोगों के साथ नहीं है माँ आप लोग के आ, कोई बात नहीं सुनेगी माँ हमेशा आप लोगों की बात सुनेगी जब तक आप लोग उनको स्वच्छ मन से पुकार रहे हो तब तक माँ आपकी बात सुनेगी इसीलिए मैं जगत जननी माँ अंबिका माँ किचकसरी चामुंडा को सत सत नमन करता हूँ कोटि कोटि नमन करता हूँ और उसके साथ ही मेरे ज़िले में जितने भी सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या फिर उड़ीसा के लोग हैं या फिर बाहर के लोग तो थोड़ा इस ज़िला को अच्छे से जानते नहीं होंगे लेकिन इस ज़िले में जो है वो दो देवियों की अटूट कृपा है जो कि हर इंसान को अपना गलत कर्म के हिसाब से दंड भी देते हैं और उनको तारते भी हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि ये पूरी उड़ीसा को तारने वाली माँ घटगा में बैठी हैं मेरी प्यारी नदियावाली रानी माँ नरिया रानी मेरी माँ तारिनी माँ इनको नारियल रानी भी कहते हैं माँ तो उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ साथ में उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आ, ये विश्वास रखते हैं कि माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए हृदय में जो भाव जरूरी है उसको बरकरार रखना है इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आप अगर जैसे कुछ वैष्णव तत्वों की जैसे आप उपासना कर रहे हो तो आप पूरी तरह से शाकाहारी बनो वैसे भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि अगर आप माँ चामुंडा की उपासना करो माँ अंबिका की उपासना करो तो आप वहाँ सहार करके भी कर सकते हो तो ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ मेरी इस एरिया के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूँ जैसे बहुत बार ये लोग कहते हैं कि मिथिला के ब्राह्मण तो ऐसे लेते हैं उनका तो चलो परंपरा है और मैं उस बात का भी विरोध करता हूँ कि कोई कोई लोग ये कहते हैं कि हमारे उधर बलि पड़ेगा तो हम खाएंगे तो डेली 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 देवी माँ के पास ये बलि वो बलि जैसे शीतला माता का अनुष्ठान होता है आज भी कुछ गांव वगैरह में बलि वगैरह चढ़ता है बकरे का तो उसको ले कर आके खाएँगे तो जो लोग ये भी कहते हैं कि बलि चढ़ाना नहीं चाहिए यानी जो बलि को तामसिक जो तामस को विरोध करते हैं उनको भी सब कुछ चिकन मटन छोड़ देना चाहिए मैं तो यही कहूँगा एक मज़े की बात है लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोई पूजा में कोई मुर्गी वगैरह ये सब कुछ दे के आप उसको बोलोगे अरे उसको तो माँ को भेंट दे रहे हम भी खाएंगे ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है मेरे कहने का मतलब है माँ तुम्हारी बात इसलिए सुन रहे हैं कि तुम लोग दिल से स्वच्छ हो साफ हो भक्ति भाव से तुम माँ को बुलाती हो माँ को हुकारती हो यह सबसे बड़ी बात है इसीलिए मैं मयूरभंज जिले के जो जितने भी सारे लोग हैं उनको यही कहूँगा अपने जीवन में भी थोड़ा बहुत आप मंत्र जाप ये सारे चीज़ को शुरू करें और थोड़ा बहुत उपासना शुरू करें तो आपकी जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होगा कोई बाहर से लोग आएगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा बोलेगा कि भाई ये तो वीकली एक दो दिन अगर छोड़ते होंगे तो सही है वरना हर घर में हर दिन तो बनता ही जा रहा है तो आप भक्ति कैसे करते हो और आप उसके साथ भीड़ जाते हो भाई मन साफ तो सब कुछ साथ ये बात मैं मानता हूँ लेकिन आप भी उस चीज़ को परंपरा को धीरे धीरे सीखो कि जैसे घर में धूप बत्ती करना दीपक देना मंत्र जाप करना गायत्री मंत्र का करना कम से कम जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आपको इतना मजबूर हो गए हैं कि डेली डेली खाने के लिए वही के लिए एक दो दिन बंद करते 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 धीरे धीरे कम करिए ताकि आपकी पुण्य का ऊर्जा आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा आपके पास रहे और ना ही किसी जीव हत्या का दोष लगे और बाकी तो चलो बाक़ी मैं जिसको समझाता हूँ वो मुझे विभिन्न प्रकार की भाषाएँ प्रयोग करते हैं कि तुम क्यों ये कह रहे हो तुम किसी का व्यापार खा रहे हो तुम ये जाके समझा रहे हो कि भाई ये सारे चीज़ मत करो ये गलत है तो इस हिसाब से मेरे कुछ लोग मेरे दुश्मन भी बन गए वो बोले कि तुम लोग हमारे जो बकरा का व्यापार है हम बकरा काटते हैं लोगों को देते हैं और ये प्रसिद्ध है हमारे इधर और तुम मना कर रहे हो मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा रोजी रोटी चलता है लेकिन बात की गहराई को समझने की कोशिश करो करो कोई बात नहीं ये तुम्हारा इच्छा है लेकिन उसके साथ भी मैं कर रहा हूँ अगर धीरे धीरे तुम अपने अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ लाभ मिलेगा बहुत कुछ लाभ मिलेगा क्योंकि मैं खुद जानता हूँ आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि भाई तुम लोग ने पूजा पाठ करके ये सब कुछ करके ये कर दिया मैं एक बात कहूँगा कि ये एक गंभीर महामारी में अभी तक जिंदा है ये कोई कम चमत्कार से बड़ी चीज़ नहीं है तो धन्यवाद ये पूरा स्पेशल वीडियो मेरे एरिया के लोगों के लिए था जिन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था भक्ति का बारे में थोड़ा बताने के लिए और आप लोग भी उसको अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा जय माता दी